तो जैसे ही आप रिस्ट वॉच बांधोगे या आपने कुछ कुछ भी कलाई पे बांधा, तो वहाँ पे या आपके कर्मों पे, आपके रिलेशनशिप पे और आपकी कम्युनिकेशन पे असर डाल देता है। जनरल वॉचेस भी लोग कहते हैं अवॉइड करते हैं, गिफ्ट नहीं करना चाहिए, आप अपना टाइम, अच्छा टाइम आप किसी को दे रहे हो, मतलब मैंने ये सुना है। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। घड़ी आपने गिफ्ट की ना, तो आप उससे, क्योंकि घड़ी में ना पावर ज्यादा है, मैं कहता हूँ ये सैटर्न है। आप लोग कहते हैं कि आपको प्योर गोल्ड की रिलेटेड पहननी चाहिए, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो क्या जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा उसका टाइम खराब हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स से ही सब कुछ मिलेगा आपको, रेस जो भी है, फायदा है नुकसान है, तो यूनिवर्स के लिए एक रुपया और एक करोड़ रुपये में क्या अंतर है? ये जो सही घड़ी का कंसेप्ट है, ये तब आता है जब हमको ये पता चलेगा कि आपको पहुंचना किधर। घर, कपड़ा, फैमिली, ये हर किसी को चाहिए, तो अगर उस वो भी नहीं मिल पा रहा है किसी को, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ना स्मॉल डायल साइज की वॉचेस पहनना बंद करना चाहिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग टू यू, मैं हूं आपके साथ हिला। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। देखिए हम फिर आ गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेकर। yes. मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर जी, रिस्ट वॉच एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका। थैंक यू। एंड प्रोफाइल बहुत बड़ी है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत डीप प्रोफाइल है, तो आज सबकी थोड़ी थोड़ी बात आपके साथ की जाएगी। जरूर। सबसे पहले तो मैं अपने यूजर के लिए जानना चाहती हूँ कि क्या है ये रिस्ट वॉच एनालिसिस और क्यों ज़रूरत पड़ी भाई इसकी? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ज़रूरत दुनिया को थी, शायद अभी आया ये दुनिया में, बट दुनिया से पहले मुझको बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा कुछ नहीं चल रहा था। आपका नहीं चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। ओके। तो घड़ी ने मेरी घड़ी चालू करवा दी, तो मैं बाकी लोगों की भी घड़ी चालू करवा रहा हूँ, मतलब जिनकी। अच्छा, ये तो हो गया कि ये क्या है। तो ये एक ऐसा साइंस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत कुंडली आप जानते हो, तो कुंडली में तीसरे घर में हम कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ओके। तो वहाँ पे ही आपके हाथ आते हैं, आपकी कलाई आती है, और तीसरे घर से आपकी कम्युनिकेशन, आपका कर्म और आपका रिलेशनशिप जुड़ता है। ओके। तो जैसे ही आप रिस्ट वॉच बांधोगे या आपने कुछ कुछ भी कलाई पे बांधा, तो वहाँ पे ही आपके कर्मों पे, आपके रिलेशनशिप पे और आपके कम्युनिकेशन पे असर डाल देता है। अगर आपको याद होगा कि जब जब हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो हम कलाई पे ही जाके राखी बांध देते हैं, या फिर हम कहते हैं हाथों में हाथ दे दो। yes. है ना, तो हाथ बड़े इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाथ बड़े इम्पोर्टेंट है। तो रिस्ट वॉच जो आपने पहन रखी है, तो ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस की होती है, जस्ट जनरल चॉइस होती है, तो ये कैसे किसी का फ्यूचर या पर्सनैलिटी बता सकती है? तो चॉइस है, मैं सही मानता हूँ आपकी बात, पर वो चॉइस तो पहला निर्णय है ना कि आपने पहन ली। तो समझो आपने अभी व्हाइट घड़ी पहन ली, समझो तो व्हाइट घड़ी जैसे पहनोगे, तो अभी आपने व्हाइट कलर अपने हाथों पे बांधना चालू कर दिया। अब वो व्हाइट कलर का कुछ ना कुछ तो संदेश आपका माइंड है वो समझेगा। और वही चीज़, क्योंकि ये, अब मैंने कहा ना, ये सबकॉन्शियस माइंड है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंबॉलिक चीज़ों को समझता है, सिंबलिज्म में जो भी आपके इर्द गिर्द रहेगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले हमने लोगों की बात की, वो भी सिंबलिज्म है, तो उसमें भी कलर आते हैं, उसमें भी साइज आता है, शेप आता है, उसमें भी साइज और शेप है। तो ये हमारे माइंड से बातें करता है, और जो बातें वो समझता है, जैसे आपने जो घड़ी पहना था वो अभी समझो वर्टिकल रेक्टेंगल है, तो अब ये माइंड को संदेश मिला कि इस तरह से काम करना है। ओके। तो हम लोग एक इंसान के पास आई थिंक मल्टीपल घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, दो तीन घड़ियाँ भी, और अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप, कोई स्ट्रैप वाली पहन रहा है, कोई चेन वाली पहन रहा है, तो इससे तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत सारी मल्टीफेसेट हो जाएगी। तो जनरली ऐसे ही होता है, तभी तो हम रोबो नहीं कहलाते ना, हम हर समय पे एक ही चीज़ को अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मुड़ी किस्म का है, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक किस्म का है, तो उसके पास नेचुरली बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी की घड़ी आएंगी। उसमें भी जो घड़ी वो उस दिन पहनेगा, अच्छा, उस दिन का रिजल्ट उसको ज़्यादा आएगा। अच्छा, तो क्या आप कैसे करते हैं एनालिसिस, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूं। हाँ, तो जैसे हमने बात किया था कलर्स होता है, तो व्हाइट कलर की घड़ी आ जाए, तो व्हाइट कलर की घड़ी में क्या होता है, व्हाइट का कलर का मीनिंग ही होता है कि अपनापन, सबके लिए मैं ओपन रहूंगा, हर किसी के लिए मैं कंपैशन, हाँ, इजी रहूंगा, मतलब आ जाओ बात कर लो, मैं तुमसे बात करूँ, तुम मुझसे बात करो, तो ये माँ की तरह कलर है, इसलिए चंद्रमा का भी कलर व्हाइट है। तो व्हाइट कलर में सभी लोगों से बातें कर रहे हैं, मतलब प्यून से भी बात कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं, कम्फर्ट के साथ हो रहा है। यही पे ब्लैक आ जाए तो रिजेक्शन आ जाए, अच्छा, तो कहेंगे मेरे से जो मतलब मेरे लेवल का है, हाँ, जो मेरे लेवल का उससे बात करो। रेड आ गया तो कहेगा कि मैं जो हूँ बात करूंगा, थोड़ा सा अग्रेशन के बाद साथ बात करूंगा।
है ना, या फिर मैं अग्रेसिव रहने की बात करूँगा, स्पोर्ट्स की बातें करूँगा, एक्शन लेने की बातें करूँगा। ग्रीन आ जाए तो यहाँ पे व्यक्ति कहेगा कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बात करूँ जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनका मन आर्टिस्टिक है, लिखने लिखने पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा जिसकी है। जी, प्लैनेट्स के साथ जोड़ रहे हैं आप इन्हें? प्लैनेट्स है, चक्रास है, फिर एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपको पता होगा कि जब कभी फॉरेन की मूवीज़ में ये दिखाना जाता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो ग्रीन कलर में दिखाते हैं। वो ग्रीन कलर का एप्पल खिलाते हैं ना, वो जादूगरनी जो रहती है ना, वो ग्रीन कलर का एप्पल, तो वो ट्रस्ट की भावना उसमें से कम हो जाती है फिर। अच्छा सुधीर जी, क्या हुआ था, मतलब आप कैसे आए? वो आपने बताया कि बैंक करप्ट हो गया था, उसके बाद में आए, पर क्या मतलब यूनिवर्स के कौन से साइन थे जिनको आपने कनेक्ट किया और आपने कहा अच्छा ये रिस्ट वॉच भी यार कुछ तो करती है, ये इसका भी मैं एनालिसिस करेगा। तो 2010 में मैंने सोचा था कि मैं ग्राफोलॉजी लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा, ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर एनालिसिस, क्योंकि उसने मेरा लाइफ बदला था। मैं तो एक छोटे से शहर से आया था और फिर मैंने 2006 में सीखना चालू किया ग्राफोलॉजी, और मैंने खुद की लाइफ बदली, मैंने हैंड राइटिंग बदला, सिग्नेचर बदला। मुझको लगा कि यार ये ना दुनिया को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझको भी नहीं पता था। तो मैं अगर जीरो से यहाँ तक जा सकता हूँ तो दुनिया भी जा सकती है। अब मैंने परमिशन के तौर पर मेरे कोच को पूछा कि क्या मैं भी ये पढ़ा सकता हूँ। तो कोच ने बड़ा सा अच्छा थॉट दिया कि तुम्हारा खुद का कुछ होगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो खुद का कुछ करें, ये थॉट से मैंने सोचना चालू किया क्या हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, हैंड गेस्चर हो सकते हैं। तो एक दिन मैं मेडिटेशन कर रहा था ऐसे, हमारा एक 3 BHK था उस समय पे, हम लोग रूममेट्स रहते थे, बालकनी बहुत बड़ी थी, मतलब 750 स्क्वायर फुट की बालकनी थी, वहाँ पे बैठा था मैं, और मैं मेडिटेशन कर रहा था। अचानक से ये विचार मन में आया कि रिस्ट वॉच भी पर्सनैलिटी को बताता है। अच्छा, तो मैंने आँखें खोली, मतलब ये क्या था। अच्छा, मैंने कहा यार चलो जाके टेस्ट करते, मेरा भी विश्वास नहीं था। और पहले तो लोग क्या करते थे, मुझको आधा पागल बोलते थे, क्योंकि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से मैं बताता हूँ तुम्हारे बारे में क्या है, तो मतलब मैं रिस्ट वॉच बोलूँगा तो बोले ये तो पूरा हो गया। तो मैं अंदर गया, अंदर मेरे 5-6 रूममेट्स बैठे थे, सबकी घड़ी देख के मैंने कुछ कुछ प्रेडिक्ट किया, उन्होंने बोला करेक्ट है। लेकिन ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बात नहीं करता था, क्योंकि आप मिल गए, आपने पूछा तो बोल दिया, इन्होंने पूछा तो बोल दिया, करते करते वो 2018 तक वो जर्नी वैसे ही था। 2018 में मैंने मेरा सब बाकी बिजनेस जो है सब बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं फुल टाइम अभी ग्राफोलॉजिस्ट बन के काम करूँगा, मेरा पैशन जिसमें मुझको मज़ा आता है। लेकिन मुझको मज़ा आता था, मेरे कारण दूसरे लोगों को उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो सब कुछ क्लासेस नहीं चल रही, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ऐसे में क्या करें। तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम रिस्ट वॉच लॉन्च करो तो शायद तुमको, क्योंकि अलग है तो लोग मिल जाएंगे। तो पहला बैच मैंने 2018 में लॉन्च किया। अच्छा, फिर दूसरा मैंने 2019 में किया। ओके, और 2020 में फिर मैंने कंसिस्टेंटली उसको सिखाना चालू किया। अच्छा डीजे, एक बार अपना वॉच दिखाओ मुझे। इनका वॉच अलग टाइप का है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है मेरे वॉच से। तो क्या ये भी हमारी पर्सनालिटी बताता है? 100%। जैसे अभी इनकी पर्सनालिटी में देखो, वेरी एक्सप्रेसिव, जो मन में है वो मुंह पे, जुबान पे, मतलब एक ऐसा तारीफ करने से भी कैसे आप हिचकिचा जाओगे कि किसी बंदे को कैसे बोल दो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ये बोल देंगे अरे आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम, कंफर्टेबल ऐसा है, हाँ बोल देंगे, हाँ मतलब वेरी कंफर्टेबल है। तो वो है, कई सारी चीज़ें ये इंपल्सिवली खरीद लेते हैं। अच्छा, इनको बॉसेस का प्यार बहुत मिल जाता है, कंफर्टेबल, ये तो है, ये तो आई एग्री। तो बॉसेस का प्यार आसानी से मिल जाता है, तो ये उनकी वॉच में है, ये सब चीजें आगे। ओके, इनकी वॉच टोटली डिफरेंट है, तो क्या ये ऑपोजिट जा रहा है? नहीं, अच्छा नहीं, तो और दूसरा जो है इनके बारे में बहुत ही अमेजिंग चीज है कि जो जो ये प्लान करती है उससे बेहतर मिल जाता है, मतलब उनको लगता भी नहीं कि मैं कर पाऊंगी, बट इन्होंने प्लान किया, थोड़ा सा एफर्ट डाला और वो कन्वर्ट हो गया। इस बात पे तो मैं ना 100% मुहर लगाने को तैयार हूँ आपकी, मैं लिख के दे रही हूँ सुधीर जी की, यही बात आपकी 100% सही है। करेक्ट। अब देखो मैंने तो देख लिया इनका वॉच, आपका वॉच मुझको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपके वॉच में जो बहुत ही अच्छी बात है कि वेर एवर यू आर यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स एट ऑल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है कि भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है, भले आज नहीं लूँगा, आज नहीं जो भी है, मैं जब मेरी बनेगी तब, पर इसके नीचे मेरे को नहीं चाहिए, मतलब हाँ। तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है इसमें। और दूसरा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सिलेक्टिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे मेहनत करनी है। तो आप मेहनत करने के लिए मतलब ये एरिया में मेहनत करेंगे, ये तो अपने से वैसे भी नहीं होगा, छोड़ दो इसको, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वो उसमें आ गया।
अच्छा एक जनरल क्वेश्चन जो अभी हमारे यूजर जो लोग देख रहे होंगे उनके दिमाग में आया होगा कि तमन्ना की वॉच ऐसी है, कई लोगों के पास ऐसी वॉच होगी, मेरी वॉच टाइटन की बहुत ही कॉमन वॉच है तो बहुत ही लोगों के पास होगी, तो क्या जो आपने इनका और मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, जो भी चीजें बताई, वो क्या उन लोगों से भी मैच करेंगी? इनके वॉच में ना वॉच फेस अलग हो जाएगा। अब इनका वॉच फेस जो है ना वो अलग किस्म का है, जहाँ पे है ना अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज डिफरेंट वॉच फेस। अगर वॉच फेस यही रखेंगे, वॉच यही रखेंगे, हाँ। बेल्ट ही रखेंगे, हाँ। और उसके बाद अगर उनका बिल्ड भी ऐसा रहेगा, okay. इतना सारा मैच चाहिए बिल्ड, मतलब सारी मतलब, साइंस है। हाँ, तो बिल्ड भी इतना रहेगा तो यस Yes. हाँ, तो फिर कंफर्म, मतलब ये मतलब बहुत सारी चीजें मिलके बनती है। अच्छा हाँ, मुझे ना एक आजकल बहुत ट्रेंडिंग है गोल्डन वॉच का कॉन्सेप्ट, आपने भी सुना होगा, गोल्डन वॉच पहनोगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा क्या? अब मैं आपको पूछना चाहूंगा ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक है गोल्डन वॉच, दूसरा है ग्रीन वॉच। लोग पागल हो चुके हैं, ग्रीन पहनो तो शेयर मार्केट में अच्छा हो जाए। आप मुझको बताओ कि सबसे ज्यादा चलने वाले कलर्स कौन से हैं वॉच के केस में? सिल्वर एंड गोल्डन नहीं, सबसे पहला है ब्लैक, व्हाइट। आप लड़कों के हिसाब से बता रहे हैं, नहीं, ब्लैक तो गोल्डन भी जाती है, सिल्वर भी, गोल्डन और सिल्वर चार ही कलर हो गए। इससे अलावा दो ज्यादा पॉपुलर कलर, मतलब ज्यादा पॉपुलर यही है ना, मिक्सचर ऑफ गोल्डन सिल्वर भी चलता है, करेक्ट है ना, तो 25% प्रोबेबिलिटी हो गया सक्सेस का। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग सक्सेसफुल है दुनिया में? टू परसेंट और बहुत ही प्रीमियम, मतलब 1%, मतलब ये तो थ्री वही पे गलत हो गया ना। सबसे ज्यादा वॉचेस गोल्ड में बनती है, पहला मोस्ट प्रेफर कलर गोल्ड है, फिर व्हाइट है, फिर सिल्वर है, फिर ब्लैक है ना, तो इट इज नॉट द केस। यहाँ पे ये बात भी देखनी है कि बहुत कम जनता ऐसी है जो वॉच पहनती है। मेरे खुद के हस्बैंड हैं, इतनी सारी वॉचेस रखी है पर नहीं पहनते। तो आपकी हस्बैंड जो है ना वो पूरी जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आप जाओ मार्केट में, क्योंकि मैं अक्सर दुकानों में जाता हूँ रिसर्च करने के लिए, बात करने के लिए, तो वॉच बहुत बिक रही है। अच्छा, मैं मेरे घर पे कुछ लोग टेस्टिंग करवाने आए थे, टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी। यस, ओके, यस, मेरे घर पे कुछ लोग अभी देखो, मतलब कितनी क्रेजी बात है, नासिक से है, नासिक अभी मेरे हिसाब से टीयर 2 में चला जाता है, तो वहाँ से कुछ लोग आए थे, उनके पास कम से कम दोनों का मिला, हस्बैंड वाइफ का मिला के कम से कम 6-7 रोलेक्स थे। 6-7, दैट इज गुड, आई थिंक ये तो शौक है, आई नो। हाँ, तो मतलब बिक तो रहा है ना, बिक रहा है। अगर एक आदमी इतना खरीद रहा है तो उससे कम बाकी लोग खरीद। अच्छा एक बात बताइए, आप वॉचेस तो पहनते हैं, ठीक है, मैं एक सवाल आपसे बहुत सिंपल वे में लूंगी कि हर किसी के पास वॉचेस होती हैं और कई लोग होते हैं ना वॉच की मतलब केयर करना भी जरूरी है कि मेरे से इंसान केयर नहीं करता उस चीज़ की, आपको जो गिफ्ट में मिल जाएगा या कोई देगा आप वो पहन लोगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो आई कैन नॉट, मतलब मैं तो नहीं, पहले सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत महंगी वॉच लूंगी नहीं, मुझे कोई ऑफकोर्स दे रहा है, कोई मेरे हस्बैंड ने दे दी मैंने पहन ली, तो क्या उसे खरीद कर पहनना जरूरी है या आपने खुद खरीद के किसी ने गिफ्ट करी और आपने पहन ली? मैं पहले का पहला आंसर करता हूँ कि क्या होता है अगर आप वॉच का केयर नहीं करते हो। केयर नहीं करते मेरे जैसे इंसान तो जो लोग ना वॉच का केयर नहीं करते वो लोग ना अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैम्परिंग नहीं रखते, मतलब जब साथ में तब अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन एक ऐसा होता है लोग कॉल करेंगे मैसेज करेंगे वो अपने से नहीं होने वाला। आप और मैं सेम कैटेगरी में, मैं भी मेरी भी वॉच ऐसे मैं रख देता हूँ कहीं पर भी, मतलब वाइफ डांटती रहती है अरे महंगी वॉच लेते हो बराबर से नहीं रखते हो, बिकॉज हम लोग क्या है वी आर कम्फर्टेबल कि जब मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक बार आपने हम मैसेज और कॉल नहीं करने वाले, हमसे नहीं होने वाला। ये तो सही है, ठीक है, ये होता है केयरिंग एंड नॉन केयरिंग, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी दर्शाता है ना। दूसरा आपने पूछा कि क्या गिफ्ट मिला तो चलेगा, तो गिफ्ट हम कब करते हैं, अगर आपने पुरातन काल से देखा होगा तो गिफ्ट हम तब करते हैं जब हमको सामने वाले की लाइफ में कुछ एनर्जी ऐड करनी होती है। हाँ, तो शादी में आप गिफ्ट लेते हो देते हो, शादी में क्यों करते हैं, क्योंकि उनसे उनके घर पे जाके खाना खाना है तो फ्री का थोड़ी खाएंगे हम लोग, तो ये मेरे से ले लो और तुम्हारा एनर्जी दे दो, तो दे रहे थे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो गिफ्टिंग का मतलब बेसिक फंडा ये है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, ताकि तुम्हारी लाइफ से मैं जुड़ जाऊँ। तो अगर मैं रिस्ट वॉच आपको गिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे कम्युनिकेशन से और तुम्हारे रिलेशनशिप से जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि रिस्ट वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को जनरल वॉचेस भी लोग कहते हैं अवॉइड करते हैं, गिफ्ट नहीं करना चाहिए, आप अपना टाइम, अच्छा टाइम आप किसी को दे रहे हो, मतलब मैंने ये सुना है। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी, मतलब इसको मैंने कहीं सुना कि कोई 2-3 चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए गिफ्टिंग में, वो एक घड़ी भी उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। घड़ी आपने गिफ्ट की ना तो आप उससे, क्योंकि घड़ी में ना पावर ज्यादा है, मैं कहता हूँ ये सैटर्न है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप कब तक जीवित रहोगे इस पृथ्वी पे, जब तक आपके कर्म बाकी है तब तक,
जिस दिन कर्म का अकाउंट घड़ा खत्म, आना जाना बंद। तो सैटर्न ही है जो आपका कर्मों का मालिक है, टेंथ हाउस का मालिक है। तो सैटर्न ही टाइम दर्शाता है कि कितना समय, समय से जुड़ा हुआ ये जीवन आपको दर्शाता है। तो सैटर्न जब आप गिफ्ट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ऐसा बुरा नहीं है सैटर्न गिफ्ट करना, मतलब रिस्ट वॉच दे रहे हो, मतलब बुरा कुछ नहीं उसमें, लेकिन अगर सामने वाले नहीं पहना तो ये बहुत बड़ा अपमान होता है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज इट हेल्प पीपल रिस्ट वॉच एनालिसिस? हाँ हाँ, कैसे तो मदद करता? एक तो जैसे आपको पता चल गया, जैसे इनको पता चल गया कि इनकी एनर्जी जैसी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा कहा था कि आपका जो कैलिबर है उससे आपको हमेशा सामने वाले से अंडर वैल्यूड ये मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा। ये तो हर इंसान के साथ है आजकल, किसी को लगता है, लगता है सबको। लगता रहना और सच में होना दो अलग अलग बातें हैं। ओके सर, मेरे एक दिमाग में एक क्वेश्चन आपसे आ रहा है आपके लिए, कि हर कोई ना महंगी घड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल जनता है, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि आपको प्योर गोल्ड की प्लेटेड पहननी चाहिए, डायमंड लगे होने चाहिए, एकदम घड़ी प्लेन होनी चाहिए, हर किसी को तो अफोर्ड, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो क्या जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा उसका टाइम खराब हो रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स से ही सब कुछ मिलेगा आपको, ग्रेस जो भी है, फायदा नुकसान है, तो यूनिवर्स के लिए एक रुपया और एक करोड़ रुपये में क्या अंतर है? यूनिवर्स के तो नहीं होगा, बात खत्म हो गई वहीं पर, क्योंकि मिलने वाला आपको यूनिवर्स से है, देने वाला आपको भगवान है। तो आप 5 रुपये की वॉच पहनो या 5 लाख की वॉच पहनो या 5 करोड़ की पहनो, घड़ी कैसी पहन रही मैटर करता है। हाँ, घड़ी किस तरह से बनी हुई है, उसमें नंबर कैसे लिखे हुए हैं, उसका थिकनेस कितना है, उसमें कितने ये क्राउन्स होते हैं ना, बटन्स, वो कितने हैं, वो मैटर करता है। आप क्या रिकमेंड करेंगे तमन्ना और मेरी घड़ी देख करके, हमने क्या सही घड़ी पहनी है, हमारी पर्सनालिटी या हमारी? अभी ये जो सही घड़ी का कंसेप्ट, ये तब आता है जब हमको ये पता चलेगा कि आपको पहुँचना किधर है। अभी मैं ये तो व्हीकल है ना, आपने जो पहना इट इज़ अ यंत्र, तो ये व्हीकल आपको यहाँ तक पहुँचा है जहाँ पे आपने पहुँचे। लेकिन अगर आपको, जैसे अगर मुझको अमेरिका जाना है तो मुझको प्लेन ही लेना पड़ेगा, है ना, पैदल जाना या बैलगाड़ी से जाना संभव नहीं है। तो आपकी डेस्टिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरी डेस्टिनेशन, मुझे वहीं बसना है। नहीं, सही मतलब ये है? तो मैं एग्जांपल दिया मैंने वो, बट इट्स लाइक वेयर इन द लाइफ यू वांट टू रीच एंड हाउ यू वांट टू रीच, फिर आपके पास अभी के रिसोर्सेज क्या है, ये सब एनालिसिस करोगे। हाँ, उसके बगैर तो मैं तो, ये तो बाबागिरी होगी ना फिर मेरे विदाउट लॉजिक। अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रीन घड़ी पहन लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, गोल्ड घड़ी पहन लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो इट्स इलॉजिकल थिंग ना, मतलब ये तो यार लॉजिक ही नहीं इसके पीछे। बट हम जो काम करते हैं उसमें हम लॉजिक जोड़ते हैं कि तुम्हारे रिसोर्सेस ये, तुमको यहाँ पे पहुँचना है और तुम्हारी करंट सिचुएशन इस तरह की, तो अब ये रिसोर्सेज का करंट सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी घड़ी आपको, क्योंकि आपको ऑप्टिमम आउटपुट चाहिए, तो कौन सी घड़ी सबसे ज़्यादा यूज में आपको रिजल्ट दे सकती है, वैसा सोचते हैं हम लोग। आप कुंडली भी देखते हैं? हाँ, आप कुंडली का भी हेल्प लेते हैं? करेक्ट। अगर किसी का शनि ही बहुत ख़राब हो और आपने बोला कि घड़ी शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको पहननी चाहिए घड़ी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अगर खराब है तो और ज्यादा पहननी चाहिए। अच्छा, ज्यादा पहननी चाहिए? हाँ, मतलब दो घड़ी पहननी चाहिए, ज्यादा मतलब हर रोज पहननी चाहिए, ज्यादा मतलब हर रोज, नॉट नंबर ऑफ वॉचेस, इट्स ज्यादा समय के लिए। सॉरी, इट्स ओके। ये कैसे ट्रांसफॉर्म करता है लोगों की लाइफ? हाँ, तो ये यंत्र है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा, तो आपके लाइफ में आएंगी वो चीजें, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। जैसे अच्छी घड़ी पहनो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अभी रेडो पहन रहा हूँ, तो 2 साल पहले भी मैं खरीद सकता था, लेकिन मैं सेम वैल्यू की मैंने गार्मिन की वॉच खरीदी थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर ये वॉच मैं पहन भी लेता तो इसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिसमैच था। कैसे? जैसे अभी जो मैंने वॉच पहनी है, फॉर मी इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट विथ मी, मतलब मेरे को ऐसे लोगों से मिलाएगी जो बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले और थोड़े से उच्च स्तरीय लोग। तो ऑलरेडी मैं ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ पिछले 2-4 महीने से, मैंने 4 महीने पहले ही ये वॉच पहनना चालू किया, तो मेरी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन अब जब मैं मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ उनसे, तब मेरा भी जो स्तर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पर है, तो मैं भी उसी लेवल पर हूँ और सामने वाला बंदा भी उसी लेवल पर आ रहा है। तो हम लोग ना बात क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की, पार्टनरशिप की। अगर 2 साल पहले ये होता तो मैं यहाँ पे था और ये वो लोग यहाँ पे थे, तो मैं इनके कांटेक्ट में आता भी तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू यूज़ देम। तो वॉच तो मेरे को पहुंचा देता लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर पाता। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनके दिमाग में ये सवाल डेफिनेटली आ रहा होगा, मेरे दिमाग में तो आ रहा है, आप कहां से आए और कैसे घड़ी ने, इस रिस्ट वॉच ने आपको हेल्प करी और कितनी हेल्प करी और कैसे ट्रांसफॉर्म हुई आपकी लाइफ, ये वो डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। तो ऐसा है कि मैं आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारी फैमिली में तो घड़ी पढ़ना भी मतलब मेरे बाद ही समझना चालू हुआ, मतलब खरीदा भी हमने मेरे बाद ही समझो। अच्छा।
मेरी थर्ड जनरेशन है जिसने कपड़े पहने देखा जाए तो, क्योंकि दादी तो आधे कपड़े पहनती थी, पापा ने पहने और मैंने पहने, ऐसे समझ लो। तो घड़ी समझना या घड़ी के बारे में बात करना या एस्ट्रोलॉजी या इन सब, मतलब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है वो लोग इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते। ये तो बात की बात है ना, जब आपके लाइफ में स्टेक बहुत ऊपर चले जाते, ऊपर चले जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगी है, तब कहीं जाके लोग एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं ना कि अभी कोई भी मिस्टेक ना हो, आप प्लानिंग सही रहे, पेटी नहीं भरा तो क्या ही इन सब चीज़ों की बात है ना। अभी आप बात कर रहे थे ना कि घड़ी आपका फ्यूचर बदल सकती है और घड़ी आपको वहाँ ले जा सकती है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़, आपको गोल पता होना चाहिए। हाँ। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, एक नॉर्मल इंसान के गोल्स बहुत इजी होते हैं लाइफ में, कोई बहुत हाई फाई गोल्स तो हर कोई रखता नहीं है। हाँ। पैसा, लग्जरी, थोड़ी बहुत लग्जरी, पैसा, घर, फैमिली, तो ये हाई फाई गोल्स। एग्जैक्टली, हाई फाई वाले घर, रोटी कपड़ा मकान, मतलब रोटी कपड़ा मकान, वही घर, कपड़ा, फैमिली, ये हर किसी को चाहिए। तो अगर उस वो भी नहीं मिल पा रहा है किसी को, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ना स्मॉल डायल साइज की वॉचेस पहनना बंद करना चाहिए। स्मॉल डायल नहीं पहनना, हाँ, मतलब जो होता है 20 mm के नीचे है, 27 mm है, तो जो छोटी वॉचेस है उनको पहनना बंद, क्योंकि क्या है, वॉच कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके। तो आपने जैसे छोटी घड़ी पहनी है, मतलब आपने खुद को बोल दिया कि मुझको ना दुनिया में छोटा मिलेगा तो भी चल जाएगा। अच्छा। अब सैटर्न छोटा मिल रहा है, सैटर्न आपका करियर भी है, सैटर्न आपका 11th हाउस का लॉर्ड भी है, मतलब पैसा भी है, सैटर्न छोटा हो गया मतलब आपका 10वां घर छोटा हो गया, मतलब आपका काम पे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा। आपका करियर सेट नहीं होगा, और 11th हाउस से मतलब आपका पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे, तो दोनों जगह पे तकलीफ है। घड़ी छोटी नहीं पहननी चाहिए, कुछ कलर्स अवॉइड करने चाहिए। नहीं, वो कलर्स तो ना अपने प्रोफेशन के हिसाब से होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ कुछ लोगों को ब्लैक सूट करता है, कुछ लोगों को ग्रीन सूट करता है। अच्छा। तो कलर, मतलब कलर का कोई ये नहीं कि कैसे हो सकता ना, एक कलर खराब और एक कलर अच्छा कभी नहीं हो सकता, सारे कलर्स बेटर होते हैं, बट आपको कौन सा सूट कर रहा है अपने अपने हिसाब से। जैसे अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में हो तो रिसर्च वाले लोगों ने ब्लैक पर कलर पहना तो अच्छा होता उनके लिए। अच्छा। लेकिन फिर पैसे का और इसका कोई संबंध नहीं, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, है ना। रिसर्च अच्छा करो, क्योंकि पैसा आना है वो गारंटी नहीं है। नहीं, मतलब लोग फिर पैसे जुड़ देंगे ना कि अरे मैंने ब्लैक पहना, मैं रिसर्च में मैंने ब्लैक पहना और मेरे को पैसे कम मिल रहे। राइट। तो ऐसे और जैसे ही छोटा डायल हो गया, और अंदर डायल के अंदर क्या है, वो उसमें फिर बड़ा, बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ 12, 3, 6 और 9 लिखा होता है, कई जगह पूरा भरा होता है, तो सब सही है उसमें कुछ? उसमें फिर बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि वेराइटीज बहुत ज्यादा है, डायमंड्स लगे हुए रहते हैं, कभी कभी वहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारे क्रिस्क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, फिर क्रोनोग्राम्स होते हैं, सिर्फ डैश होते हैं, सिर्फ डॉट्स होते हैं। तो आजकल तो जैसे एप्पल की वॉच चल रही थी, हाँ, वो तो बहुत ज्यादा, सैमसंग हो गया, ये स्मार्ट वॉचेस में कहूँ तो वो तो बहुत ही टेक्निकल है, क्या वो भी, मतलब मुझे तो सब कभी समझ नहीं आती है, खैर, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं कहीं आपका माइंड, तो मेरे को लगता है आपके माइंड के साथ खेलती है वो घड़ी। हाँ, माइंड के साथ तो खेलती नहीं है, बट इन्फ्लुएंस करती है माइंड को। अब क्या होता है ना, जब हम डिजिटल वॉचेस की बात करते हैं तो डिजिटल वॉचेस ओवरऑल आपको ना बहुत ज़्यादा नॉन इमोशनल बनाती है, क्योंकि मशीन हो गई ना वो। तो आदमी जितना मशीन के साथ काम करता है उतना नॉन इमोशनल होता है, उतना जो डिसीजन लेता है वो प्रैक्टिकल लेता है, पहली बात तो। तो जितने भी लोग देखो, आप ये घड़ियाँ पहनते हैं, जैसे अपने एप्पल वॉच की बात की या गारमिन की वॉच की, तो ये ना सिर्फ काम से ही संबंध रखते हैं, मतलब जितना आपका रिलेशनशिप, जितना आपका रिलेशनशिप बनना चाहिए उतना रिलेशनशिप बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, मतलब जब साथ में तब अच्छा रिलेशनशिप है, जब नहीं है तो कुछ नहीं है, तो ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है ऐसे वॉचेस का। अच्छा, कई लोग ऐसे होंगे जो वॉच पहनना पसंद ही नहीं करते होंगे, नहीं पहनते होंगे, ऐसे लोगों का क्या? कोई भी चीज़ आप अपने शरीर पे पहनते हो ना, इसका मतलब होता है आई वॉन्ट टू हैव दैट बॉन्डेज, बंधन है, इसलिए जो कुछ नहीं पहनते वो बॉन्डेज से फ्रीडम चाहते, इसलिए साधु लोग कम कपड़े पहनते हैं, है ना। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो विधवा भी होती है, पहले के ज़माने में ऐसा था कि उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते, ताकि किसी भी कलर का अटैचमेंट ना हो, तो वो फ्री रहे ना वो। तो हाथों में कुछ भी बांधना, कुछ भी बांधना, मतलब आई एम गोइंग टू बी इन्वॉल्व, कमिटेड, जैसे राखी बांध ली तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए कमिटेड, वैसा हो जाता है। या हम गले में वो कंपनी का कुछ पहन लेते तो हम कंपनी के साथ हो जाते, या मंगलसूत्र पहनते तो वहाँ पर अटैचमेंट आ जाता है। तो जैसे ही आप बोलो, आप कड़ा भी पहनोगे तो वो भी अटैचमेंट है। इसलिए अगर बैंगल्स, आप में से कोई बैंगल्स पहनता है, मतलब कांच के बैंगल्स, नहीं तो देखना आप, कांच के बैंगल्स जो लोग पहनते हैं ना वो बहुत संभल के बातें करते हैं। और कांच की बैंगल्स पहन के अगर आपने तेज आवाज में बात की तो बैंगल्स फूट जाते हैं, ऑब्जर्व करना। अपनी मम्मियों को देखिए ना, पुराने जमाने में कांच की ही पहनती थी, उनके लिए शगुन होता था और वो बहुत आराम आराम से बोलती थी, संभल के। हमें बहुओं को देखिए,
हम तो पहनते ही नहीं। तो मेरी माँ जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि उठ के चले जाए हम लोग, ठीक है। तो जब जब उनकी कांच मतलब जो डांटती है मेरे और मेरे पापा को भी जब डांटती है तो मुझको लगता है मैं उठ के चला जाऊँगा। तो उस समय पे मेरी माँ की अक्सर बैंगल्स टूट जाती है और हाथों में धंस जाती है। तो जो भी आप पहनोगे ना अपने शरीर पे मतलब कुछ भी, तो वो कमिटमेंट दर्शाता है। अगर टाइट पहनते हो तो ये बंदा और ज़्यादा फोकस और इंटेंसली कमिटेड होता है। इसलिए जितने जितने भी पुलिस वाले आर्मी वाले वो कैसे टाइट कपड़े पहनते हैं, है ना, पेट कितना भी बाहर हो ऐसे चिपक के आएगा वो, पर वो टाइट। तो टाइट मतलब आई एम मोर इंटेंस, मतलब मोर अटैच्ड, मोर इन्वॉल्व। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन भी कपड़े टाइट पहनते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जिम में कपड़े लोग टाइट पहनते हैं, है ना। तो टाइट पहनना मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। जितना लूज पहनोगे उतना आपको लगता है कि चलो यार थोड़ा सा आराम करें, रिलैक्स हो, फ्रीडम हो। सलमान खान भी ऐसे पहनते ना, वो उनका ये देखो गिरता क्यों नहीं है वो, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहते हैं अपने लाइफ में। अब मेरे हिसाब से करूँगा, जो करूँगा मेरे स्टाइल में करूँगा। तो होता है, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पहना तो आप बोलते हो मुझको किसी रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, किसी बॉन्डेज में नहीं रहना, मैं मेरी लाइफ को मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में मेरे तरीके से जीना चाहता हूँ, ऐसा उसका ना पहनने का मन ही ये हो जाता। तो कोई एनर्जी में फर्क नहीं आएगा फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड को, क्या यही फ्रीडम का आ जाता है। अभी देखें ये मतलब एक इंसान है जिसके पास गाड़ी नहीं है, एक इंसान है जिसके पास गाड़ी है। अब गाड़ी वाला इंसान तो जल्दी पहुँचेगा ना, कहीं पर भी पहुँचेगा, ये यंत्र है ना आखिर। तो अगर आपने समझो अभी सोने के बैंगल्स पहनते हो, तो सोने के बैंगल्स अगर आपने पहने और अगर आपने राइट हैंड में पहने तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर। जब आप काम कर रहे हो तो आपको हमेशा लगता है कि मेरा काम इसी स्तर का होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू हो जाएगा आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ जो आपकी जो चिड़ना जो है बढ़ जाएगा ऐसा। अच्छा ये कौन से साइंस में आता है जो रिस्ट वॉच एनालिसिस है? अभी मैंने तो ऑकल्टी कहा इसको, क्योंकि इसमें ना मैंने सभी साइंस को कंबाइन कर दिया। अच्छा। इसमें वास्तु का कॉम्बिनेशन हमने कर दिया, एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन आ गया, ग्राफोलॉजी का आ गया, सिम्बोलॉजी का आ गया। तो सिंबल्स भी मैटर करते हैं ना, कभी कभार आपके रिसर्च के अंदर सिंबल्स भी आ जाते हैं। अभी आप मुझे ना आपसे एक इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आई, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आपने किसी किसी का बताया था केस कि वो पेंडुलम वॉच थी और आपने बताया था उसके घर में, आपने उनसे पूछने को बोला कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कैसे आपने जज किया होगा? प्लीज़ हमें एक बार आई थिंक हमें लेना चाहिए ये आपसे बात व्यूअर्स के लिए। तो पेंडुलम वॉचेस जनरली घर में होती हैं, तो क्या ये सही नहीं है लगाना? तो घर के हॉल में लगाना बिल्कुल भी सही नहीं पेंडुलम क्लॉक। Okay. अब मैंने कई सारे अलग अलग तरह के पेंडुलम देखे। मैंने सबसे बड़ा पेंडुलम ये वाला जो आपने नॉर्मली देखा होगा जो ऐसा स्विंग करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ कहाँ पे आपने देखा है सबसे ज़्यादा, तो पहला नाम आएगा आपको हॉरर मूवीज में। बारह बजे हीरोइन को भी याद आता है कि नहाना है आज। yes. और भूत को याद आता है कि बहुत दिनों से याद आ रही है मुझे जैस्मिन। और भूत को याद आता है कि मैंने छिड़ा नहीं है आज तक, तो दैट इज अ टाइम। दूसरा है आपने टॉम एंड जेरी में देखा रहेगा हमेशा। अब ये दोनों मूवीज में क्या समानता है? तो ये दोनों मूवीज में ना आप शांति से नहीं बैठ सकते। टॉम एंड जेरी में हर एक सेकंड में कुछ तो भी घटना हो रही है, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पे ना अब क्या होगा मतलब यू ऑलवेज ऑन द एज ऑफ योर सीट, अटेंशन मोड में रहते हैं। हाँ मतलब अटेंटिव, डिस्टर्ब, मैं बोलना डिस्टर्ब मोड में। व्हाट अबाउट दोस जिनके घर में कोई वॉच ही नहीं होती, मतलब रिस्ट वॉच को छोड़कर वो वॉल वाली वॉच? अभी वॉल क्लॉक जो है ना वो घर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर वॉल क्लॉक नहीं लगाया अपने घर के अंदर, तो यहाँ पे वो लोग ना बहुत मनमर्जी काम करते हैं। देयर इज नो डिसिप्लिन इन द फैमिली, अपने अपने तरीके से करेंगे, हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक का अपना शेड्यूल है। nice. वहीं पे अगर आप वॉच लगा दो, हाँ जहाँ पे सो रहे वहाँ पे वॉच लगा दो, तो डिसिप्लिन आ जाता है, एक शेड्यूल रहता है कि मतलब नहीं लगाना तो एक दिन यही इंसान 6 बजे उठता है, एक दिन यही इंसान 10 बजे उठता है। आपने अकल साइंस में रखा है इसको भी, तो अकल साइंस की एक विधा है एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम कुंडली देखते हैं, आप भी कुंडली देखते हैं। तो मान लीजिए केस ले लेते हैं ऐसे ही, जिसके सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, चमचमाती हुई किस्मत है, मेहनत भी अच्छी कर रहा है, शनि महाराज भी दे रहे हैं, राहु भी अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी बैलेंस। अच्छा मेरी कुंडली की बात करें, ठीक है, राइट एग्जैक्टली। दशाएं भी शुरुआत के सालों में अच्छी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं हाइपोथेटिकली ले लेते हैं केस, ठीक है, दशाएं चलिए मान लीजिए खराब आ गई, अंतरदशा खराब आ गई, लेकिन कुंडली अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो क्या कहीं उनको इस टूल को यूज़ करना चाहिए, रिस्ट वॉच को? देखो जब आप ना अपने लाइफ में सबसे पीक पे हो या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आपने इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अच्छा गलती क्या होती है, लोग तब इग्नोर करते हैं जब मुसीबत में, तब आते हैं। जब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो मैंने यूज़ करके अब
ये लेवल का सक्सेस है। अब दसवां घर और ग्यारहवें उपचय भाव में आता है, मतलब जितना मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे। अच्छा हाँ, तो मतलब ये लेवल पे लाइफ चल रही है, थोड़ा सा एफर्ट देंगे तो ये लेवल चले जाएगा। तो यूज एवरीथिंग ना, इसलिए जितने भी टॉप के लोग हैं, मोदी जी को ले लो या फिर अंबानी जी को, सब लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सबके पास अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि उस लेवल पे और ऊपर जाना है और हर एक छोटे डिसीजन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वी मस्ट यूज इट। अच्छा, आपने कभी इन सेलिब्रिटीज पे रिसर्च करी है रिस्ट वॉच को लेकर? अभी सलमान खान के ऊपर किया, अभी तो मैंने बताया, तो अगर आपने सलमान खान वाला फिरोजा पहना तो आपकी रिलेशनशिप में ना निरंतर रूप से चैलेंजेस आएंगे। वो फिरोजा, मतलब मैं तो जो भी चीज़ आप शरीर पे पहनते हो उसका एनालिसिस करके दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देखिए आपके जो शोल्डर्स हैं ना, शोल्डर बताते हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। इसीलिए लड़कियों को स्ट्रॉन्ग शोल्डर वाले लोग पसंद आते हैं। लड़कियों को हमेशा कौन चाहिए, ऐसे देखा जाए तो सपना को ऐसा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिक्स फैल ऐप, हाँ हैंडसम, लेकिन शादी वो पेट वाले से करते हैं जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य कि द वन हु अर्न्स वेल, राइट। पहला शादी करने के पहला क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ कमाता है क्या, यही क्वेश्चन होता है ना, ये नहीं पूछते कि बॉडी कैसी है। तो पसंद बॉडी वाला आता है। तो ये जो शोल्डर है, इट इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जब जब आपको दिखाना होता है कि इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये शोल्डर पे कुछ ऐड कर देते हो। इसलिए पुलिस में हमेशा एक्स्ट्रा लगा देते हैं, है ना। अच्छा, ये होगा शोल्डर का। अब चेस्ट जो है, चेस्ट ये बताती है कि व्हाट डू यू वांट टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड। इसलिए जितनी भी शो ऑफ वाली चीज़ें ना आप जो, तो आप यहाँ चेस्ट में नेक पे पहनते हो, चेस्ट पे आता है, चेस्ट से जमा आता है। अगर आप मेडल्स की भी बात करो, आर्मी में जो मिलते हैं वो मेडल्स यहाँ पे चेस्ट पे लगाते हैं, तो शो ऑफ के लिए होते हैं। आते भी है तो भी वो चेस्ट पे ही आता है, चेस्ट पे आएगा, तो शो ऑफ है वो। तो जो यहाँ इस एरिया में आएगा, दिस इज अबाउट ऑल शो ऑफ। ओके, हाँ, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं ना इसको। फिंगर्स आपके लाइफ में लास्ट मोमेंट पे जो आपके हाथ से जाएगा, कर्म, जिस कर्म का अंत जो है आपके फिंगर से होगा ना, अंत में कर्मा फिनिश, तो ये आपकी फिनिशिंग मूव बताते हैं कि फिनिशिंग मूव को आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे। इसलिए जो लोग बहुत पतली अंगूठियाँ पहनते हैं ना, जैसे आपने पतली अंगूठी पहनी है, एक पतली और ऐसी वाली, तो ये पतली अंगूठी जो पहनते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि इनके आजू बाजू में ना इनका काम करने वाले लोग रहे, इनको मेहनत ना करना पड़े। नहीं, पर आप देखो ना, जो मोटी उंगली वाले रहते ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ, जो बहुत बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहनते हैं। अब जो बहुत बड़ी अंगूठी पहनता है ना, वो छोटी चीज़ों के प्रोमिसेस बहुत करता है। ओके, हो जाएगा, कर देंगे, मतलब वो ना बोलती नहीं है। तो दे ओवर प्रोमिस थिंग्स। तो हाँ, मीडियम वाला आदमी मेहनत करता है, वो बोलता है चलो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। जो थोड़ा सा जाड़ा, बट बहुत जाड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जाड़ा पहनता है, थोड़ा सा मोटा पहनता है, वो कहता है कि अच्छा करो इसको, मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा। तो वो आदमी डिलीवरी होने तक वहाँ पे खड़ा होता है, देखता है कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एवरीबडी इज डिफरेंट। हाँ, तो रिस्पॉन्स, छोटी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अच्छा, पहले के टाइम पे ना ये भी बड़ा चलता था, पॉकेट वॉचेस। हाँ, तो पॉकेट वॉचेस तो बड़े अमेजिंग है। तो मुझको ऐसा पूछा, वहाँ पे उन्होंने बोला था पॉकेट वॉच और स्केलेटन वॉच। पॉकेट वॉच और स्केलेटन वॉच का कॉम्बिनेशन, अब मुझको नहीं पता था उस आदमी का एज क्या है। अच्छा, मैंने सोचा और मुझको आंसर आया, मतलब आपको जो है स्टोरी बताया, आंसर आया। आंसर ऐसा है कि ये आदमी ने बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम का रिसोर्सेज क्रिएट करके रखा है। ओके, अब मैंने उस व्यक्ति का एज पूछा, तो उसका एज था 21। एट द एज ऑफ 21 ये आदमी ये वॉच पहनता रखता है, और उसने पैसिव इनकम को सेट करके रखा है ऑलरेडी, कि उसको ना 21 में ही हैज मेड श्योर कि ही इज गेटिंग सम मनी पैसिवली। और अगर आप भी ये वॉच यूज़ करना चालू करोगे, तो आपके अंदर भी वो माइंड सेट आ जाएगा। अच्छा होता है, मतलब आप पॉकेट वॉच यूज करें, इट्स अ गुड। पॉकेट वॉच प्लस स्केलेटन वॉच का कॉम्बिनेशन। स्केलेटन वॉच कौन सी होती है? मतलब जो अंबानी ने पहनी थी ना, अनंत अंबानी ने, जहाँ पे आपको मशीन दिखाई देती है अंदर की। ओ, है, सी थ्रू वॉच होती है, मशीन ही दिखाई देती है। हाँ, आपका स्केलेटन वॉच है? मेरे हस्बैंड के पास है। ये आपका जो लोगो है ना यहाँ पे जो बना हुआ, तो ये लोगो बताता है कि आपकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो स्केलेटन वॉच को पसंद करेंगे या पहनेंगे। हो सकता है आपने भी लगाया होगा ये वॉल क्लॉक स्केलेटन वाला।
है कि वो? Okay. मुझे देखा नहीं है मैंने, मे बी हो कहीं पे, बट स्केलेटन मुझे याद आ रहा है वो। आपके इधर तो बहुत लोग पहनेंगे ये, तो स्केलेटन वॉच का ही है लोगो। ठीक है, तो हमने वॉल क्लॉक की बात करी, पॉकेट वॉच की बात करी, और स्केलेटन वॉच जो मुझे पता नहीं था कि टर्म उसको ये कहते हैं, हाँ, ये दोनों पहननी चाहिए। स्केलेटन दिखाई देता है ना, स्केलेटन दिखाई देता है, तो दोनों वॉच को कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। अभी देखो स्केलेटन वॉच क्या करता है, स्केलेटन वॉच आपको और अंदर लेके जाता है, क्योंकि ये सर्फेस नहीं दिखाई दे रहा ना, उसके भी अंदर का दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो टाइम पास है, टाइम वेस्ट है कुछ लोगों के लिए, मतलब जैसे मेरा छात्र, मेरा ऐसा टेंडेंसी है कि अगर मैं स्केलेटन पहनूंगा तो मैं और गहराई में जाके पढ़ाई करूंगा। लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति को जरूरत ना हो उसकी, उसका उसका जो सेट है, मतलब ये समझो एक ड्राइवर है जिसका काम ही ड्राइविंग करना है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि इंजन कैसे चलता है। अच्छा, मेरी एक ना फ्रेंड है, आपने कहा कि एक समय पे आने पे ही आपको लग्जरी वाली वॉचेस की तरफ जाना चाहिए, या जो जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया, तो मैंने उसका केस में देखा है कि पैसे भले ही कमा रहे हैं लेकिन वॉच बिल्कुल हाई एंड पहनेगी, तो क्या ये शुक्र स्ट्रांग होने की वजह से होता है या फिर? हाँ, ये तो मतलब शुक्र से जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लग्जरी से जो लोग इन्फ्लुएंस, 6 नंबर के लोग, या वीनस लग्न पे असर डाल रहा है, लग्नेश पे असर डाल रहा है, तो ऐसे में ये लोगों को महंगी वॉचेज ज़्यादा पसंद है। क्या उनकी वो सक्सेस का कारण भी बनती हैं? नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ महंगी वॉचेज तो इम्पॉसिबल, मतलब ऐसे तो फिर मतलब कोई भी बड़ा व्यक्ति कभी बैंकरप्ट होता ही नहीं, क्योंकि उनके सबके पास रोलेक्स और रेडो रहती है। मैं भी एक बार साल भर की सेविंग करके एक बढ़िया वॉच ले लेते हैं ना। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने के लिए कई सारी चीजें मैटर करती है, ये तो सिर्फ पसंदगी दिखा रहा है। हाँ, ये सपोर्ट ही एनर्जी है। और वॉचेस में भी महंगाई और सस्ती वॉच, उसका तो हमने संबंध जोड़ा ही नहीं सक्सेस से। तो जैसे आपने मुझको और एक वॉच दिखाई थी आप, तो वो वॉच मेरे को ये दर्शाती है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध है, कनेक्ट है, लेकिन आप उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। सही कह रहे हो आप, भी नहीं पाते। तो वो अभी देखो वॉच तो अच्छी है वो, बट उसके कारण लोग अच्छे आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन यू आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, तो फिर ऐसा भी तो प्रॉब्लम है ना। तो आई थिंक हमें वॉचेस से निकल के दूसरी विधाओं पे बात करनी है, बहुत कुछ है हमारे पास राइट करने के लिए। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, एंड आई होप कि अब आप भी अपनी कलाई पे नजर डालेंगे और देखेंगे कौन सी है। थैंक यू सो मच सुदीप जुड़ने के लिए। थैंक यू, आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।